हाय व्हाट्सएप गाइस, मेरा नाम है आकाशी मोहापात्रो और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। और अगर आप दिन में 24 घंटे का सिर्फ मुझे 5 मिनट देंगे या 10 मिनट देंगे तो आप पूरे ऑटो कैट को सीख सकते हैं, क्योंकि मैं एक घंटे का वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप समझो कि फ्यूचर में अगर आपको कोई पर्टिकुलर सा पार्ट समझना हो, आप भूल गए हो, तो आप थोड़ी ना एक घंटे का वीडियो में टाइमलाइन थोड़ा थोड़ा कर आप देखोगे कि अरे भाई वो टॉपिक हम कहाँ पर डिस्कस किए थे। तो इसलिए मैं छोटा छोटा करके हर एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, तो आप मेक श्योर करना हर एक 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो पहले ऑटोकैड पे जाने से पहले ऑटोकैड आपको समझना होगा कि कितने टाइप का होता है। 3 टाइप का ऑटोकैड होता है। एक टाइप का स्टूडेंट के लिए आता है जो 3 महीने या 1 महीने के लिए फ्री होता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि मैं आपके लिए फ्री का जुगाड़ कर दूंगा। और ऑटोकैड और 2 तरह का होता है। एक होता है LT टाइप का और एक होता है फुल वर्सन। LT मतलब लाइट वर्सन और एक फुल। तो आप उसका इंटरफेस देख लो, ए है ऑटोकैड LT। ओके, एक खोलने से कुछ सिमिलर सा इंटरफेस है, यहाँ पर ओपन और न्यू है। और अगर मैं ऑटोकैड यहाँ पर भी मैं इसको ओपन कर दिया हूँ, यही सिमिलर सा ही है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही मैं दोनों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप न्यू करोगे तो आप वही जगह पर हो जाओगे। ओके, एकदम सेम है। यहाँ पर भी लाइन, यहाँ पर जो भी टूल है और कुछ हेर फेर है मुझे भी पता है। ये देखो, अगर मैं भी जो दोनों ही 22 साल में आया है। ओके, मैं ऑटोकैड 22 ही यूज कर रहा हूँ। अगर आप व्यू पर जाओगे, यहाँ पर जितना ऑप्शन है, और अगर आप ऑटोकैड के फुल वर्सन पर व्यू पर जाओगे, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऑप्शन है। ओके, अगर आप ऑटोकैड फुल वर्सन पर होम पर जाओगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर आप लाइट वर्सन पर जाओगे, ओफो, यहाँ पर अगर आप होम पर जाओगे तो ये देखो सामने वाला कुछ ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, तो ऑटोकैड फुल वर्सन में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है और लाइट वर्सन पर उतना सारा ऑप्शन तो नहीं मिलता, पर बेसिक जो जो चीज आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाता है। ओके, यहाँ पर आप 2D 3D सब कुछ अपना वर्क स्पेस चेंज कर सकते हो, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ओके, तो हम लाइट वर्सन को ऑफ कर देते हैं। ओके, इसकी हमें जरूरत नहीं है और हम फुल वर्सन पर चलते हैं। ओके, फुल वर्सन पर चला है। और मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो आप अगर ऑटोकैड में पहले दिन आए हो तो आपको क्या क्या ठीक करना होगा ये देख लो। मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा काम का टूल है, ये देखा लाइन टूल और या आर्क सर्कल रेक्टेंगल इलिप्स जो भी हो, यहाँ पर यही से आपका फास्ट ड्रॉ शुरू करना है। अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ से ढूंढोगे, यहाँ पर सर्च कर लेना लाइन LINE लाइन सर्च कर लेना। ये देखो ये लाइन टूल मिल जाएगा और वो कहाँ पर है, ये देखो होम ड्रॉ उसके अंदर है। होम मतलब इससे बाहर निकलते हैं, कोई खाली जगह पर क्लिक करो, ये देखो होम उसके अंदर है, ड्रॉ सेक्शन के अंदर ये लाइन है। अगर आप कीबोर्ड से यहाँ पर ऑप्शन दबाने से नहीं खुल रहा है, उसका भी शॉर्टकट है, यहाँ पर नीचे देखो कमांड टूल कमांड ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर लाइन दबाना, ये देखो आ जाएगा। ओके, तो ये कमांड हमारा बहुत काम का चीज है, मैं आगे भी सिखाता चाहूंगा। ओके, उसके बाद अगर आप है देखो, ये रहा बाय चांस एक कमांड आपका क्रॉस हो गया। ओके, तो आप कहां से लाओगे, आप यहां पर व्यू पर जाना। व्यू पर जाने से यहां पर आपको हर एक चीज मिलेगा। ओके, यहां से ये वाला ऑप्शन दबाना, कमांड आ जाएगा। ओके, और अगर मतलब आप अगर कोई बाद में वीडियो देख रहा है, ओके, तो यहाँ पर थोड़ी इधर उधर हो सकती है क्योंकि अपडेट के साथ साथ कुछ इंटरफेस भी बदलता है। ओके, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, आप समझ जाओगे यार। ओके, और आप इस कमांड को हिला भी सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। ओके, मैं मुझे बीच में ही पसंद है। ओके, और क्या चीज आपको कस्टमाइज करना होगा, ये देखो ये जो ग्राफ का हुआ है ना, इसको आप अगर F7 दबाओगे तो ये चला जाएगा। ये देखो F7 दबाया, ग्राफ चला गया, पर मुझे ग्राफ पसंद है इसलिए मैं फिर से F7 दबाया। अगर आपके पास फुल न्यूमेट्रिक कीबोर्ड है, मतलब डेस्कटॉप है आपके पास, तो आप डायरेक्ट F7 दबा देना। और अगर आप मेरी तरह लैपटॉप में काम कर रहे हो तो आपका F7 नहीं है, वो आपका वॉल्यूम अप या डाउन या ब्राइटनेस अप डाउन का बटन होगा। ओके, तो आप शिफ्ट दबा के F7 दबाना, चला जाएगा। ओके, मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मेरा F7 का बटन वॉल्यूम डाउन करने का बटन भी है। देखो मैं सिर्फ F7 दबाऊंगा, वो देखो वॉल्यूम डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। ओके, इसलिए शिफ्ट दबा के F7 दबाना, वो F7 वाला काम ही करेगा। ओके, जो भी हो तो आप समझ गए।
उसके बाद आप क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक है, इसको आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको इसको हम मिटा देते हैं, ऑप्शन पर जाना होगा। पहले लेफ्ट क्लिक करने पर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, पर अभी नहीं आ रहा तो हम सामने से ही ले आते हैं। हमारे पास कमांड ऑप्शन है यार, यहाँ से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो क्या हम ढूंढने जाएंगे। तो यहाँ पर OPTI, ये देखो हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर हम डिस्प्ले पर जाएंगे, डिस्प्ले पर जाने के बाद यहाँ पर कलर है और यहाँ पर देखो ब्लैक कलर ओपन है, तो हम व्हाइट कर देंगे। इसको अगर अप्लाई किया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया भाई, ये मुझे आंखों पर दर्द होता है यार, व्हाइट पसंद नहीं मुझे, वो ब्लैक ही ठीक है। आप अगर लड़की हो तो ये लड़कियों मुझे मारना मत, मैं ये मजाक में कर रहा हूँ। ओके, और ये क्या है भाई, अच्छा सिलेक्ट, ओ माय गॉड इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना फेवरेट ब्लैक चाहिए, ब्लैक का यार। हाँ भाई ब्लैक में एक्यूरेसी अच्छा होता है क्या यार, कुछ भी VS Code ब्लैक की क्या मतलब, ब्लैक में ही अच्छा लगता है यार, जो भी हो। और एक चीज आपको दिखा दूं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये जो सामने जो ये क्रॉस टाइप का दिख रहा है ना, प्लस टाइप का, इसको क्रॉस वर्क करता है। ये मैं 2D सेक्शन पर हूँ इसलिए ये प्लस दिखा रहा है, अगर मैं 3D पर जाऊंगा, वर्क स्पेस चेंज करूंगा तो ये क्रॉस टाइप का दिखाएगा। ओके, और इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। कैसे करोगे, फिर से आपको बार बार यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कीबोर्ड पर दबाना शुरू कर देना, ऑटोमेटिक वहां पर ले लेगा। ओके, ये देखो OP दबाया, ऑप्शन आ गया। ओके, तो आप ऑप्शन पर यहाँ पर डिस्प्ले, ये देखो क्रॉस वायर साइज, यहाँ से आप, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके अप्लाई करके दिखाता हूँ, अप्लाई। ओके, देखो ये देखो बड़ा हो गया, और ये बड़ा छोटा होने से भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको FreeCAD हैंडी हो गया है, अगर आप बहुत दिनों से कर रहे हो, तो ये बड़ा हो छोटा हो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और दूसरा चीज आपको क्या करना होगा, फिर से मैं ऑप्शन पर जाता हूँ, ये क्या हो गया, अच्छा वो डबल वर दबा दिया, OP एंटर, ओ सॉरी कुछ दूसरा ही खुल गया, OPTI, ये रहा ऑप्शन। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से फ्री ऑटोकैड पर नहीं हूँ, कुछ ही दिन हुआ है, मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे साथ आप भी सीख लो। ओके, आप जो भी कमांड दबाते जाओगे, यहाँ पर देखो सब कुछ यहाँ पर होता जाएगा, और आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिपीट ऑप्शन, रिपीट कमांड, सब कुछ आ जाएगा। बहुत ही FreeCAD से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो FreeCAD में, मैं होम पर जाता हूँ, आप अगर लाइन टूल को यूज करोगे, देखो लाइन टूल को क्लिक किया, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्पेसिफाई फास्ट पॉइंट, मतलब लाइन टूल का फास्ट पॉइंट दबाने के लिए कह रहा है। उसके बाद आप ऐसे करो, FreeCAD में क्या होता था, आप एक लाइन लो, उसके बाद उसको सिलेक्ट करके डायमेंशन दो। ओके, ऐसा FreeCAD में नहीं होता, आप ऐसे ही दबा दो, मैं इसका साइज 100 कर रहा हूँ। ओके, 100 एंटर किया, ये देखो एस्केप दबाया तो लाइन टूल का ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, एस्केप दबाया छोड़ गया, नहीं दिख रहा है। आप बोला कि आप बोल रहे हो कहाँ है लाइन, ये देखो ऑप्शन बहुत 100 बहुत छोटा स्केल है, इसलिए देखो छोटा लाइन बन गया, छोटा लाइन बन गया। तो आप ऐसे ही करके लाइन कर दोगे, मतलब ये FreeCAD से बहुत ही इजी मुझे लगा, तो FreeCAD भी बहुत ही अच्छा है, उसको मैं बुरा नहीं कर रहा, वो भी बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप अगर AutoCAD पहली बार ओपन कर रहा हो तो और आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखो ये वाला ऑप्शन मैं आपको समझा दूँ, लाइन टूल में आप ऐसे ऐसे करके लाइन कर रहे हो, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाइन करना चाहते हो तो आप इस ऑर्थोगोनल ऑप्शन को ऑन कर दो, ये देखो ऑर्थोगोनल, इसको ऑन कर दिया, ऑर्थो या क्या है, ऑर्थो मोड ऐसे ही दिखा रहा है। आप F8 दबाने से भी ये कर सकते थे, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टकट। अब देखो मैं अगर ये देखो मैं ऊपर, ओ लाइन टूल को सिलेक्ट करना भूल गया, अब देखो मैं ऊपर नीचे जहां भी जाऊंगा ये सीधा ही जाएगा। ओके, तो अब मैं 100 दबा दिया एंटर, ये देखो देख रहे हो यहाँ पर हो गया। अब मैं नीचे कोने जहां पर भी जाऊंगा ये ऑर्थोगोनल ही होगा, अच्छा ये देखो ऑर्थोगोनल। फिर से मैं 10 दबा रहा हूँ एंटर, ओ 10 बहुत छोटा हो गया ना। ओके, फिर से मैं 100 दबा रहा हूँ, 100 दबाने से एंटर। उसके बाद आप फिर से सोच रहे हो कि 10 दबाना होगा, ओके 10 दबाने की जरूरत नहीं है, आप सी दबा दो डायरेक्ट, एंटर दबा दो, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ओके, ऐसे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। और आपको एक चीज बता दूं, ये देखो और एक क्या, और एक चीज जो आपको करना होगा, ए वाला जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ पर
इसको आपको इस सेटिंग्स पर जाना जाकर इस सारे ऑप्शन को ऑन कर देगा। यहाँ ऑन कर देना, यहाँ पर कुछ ही ऑप्शन आपके लिए ऑन होगा, पर यहाँ पर सारे ऑप्शन को ऑन कर देना। ओके, ऑन करने से क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये वाला ऑप्शन ऑन है ना, इसका ही तो सेटिंग्स है, ये वाला ऑप्शन ऑन है, ऑर्थो स्नैप। अब मैं जब लाइन टूल, जो भी टूल हो, इसको मैं जब इसके पास, ये देखो ब्लॉक बॉक्स करके दिखा रहा है ना, ग्रीन वाला बॉक्स दिखा रहा है ना, यही नहीं दिखाएगा अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा। अब F8 दबाने से भी ऑफ कर सकते थे, अब देखो वो नहीं दिखा रहा है, देखा। पर अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अरे कर्सर का गया, हाँ अब देखो ग्रीन दिखा रहा है। ओके, इसलिए जो भी टाइप का, जो भी साइज हो, उसको ये दिखाएगा कि ये सिलेक्ट है या नहीं है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आप ये सेटिंग्स भी कर लेना, और इससे तो मैंने कहा है कि XY ऑर्थो मोड ये भी पता चल गया, और आपको क्या पता होना चाहिए पहले दिन। और यहाँ से आप डायमेंशन, वर्क स्पेस का ऑप्शन यहाँ पर रहता है। ओके, यहाँ पर ये देखा वर्क स्पेस स्विच, ये रहा वर्क स्पेस का ऑप्शन। ओके, यहाँ से और आपको क्या पता होना चाहिए, और जो भी हो, 5 मिनट का वीडियो 11 मिनट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, ये पहले दिन का फुल सेटिंग्स था, आप ये सब कर लो, उसके बाद हम बाद का वीडियो बनाएंगे। तो मेक श्योर करना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 5 मिनट में ऑटो कैड सीखने के लिए। ओके, तो आज के लिए बाय बाय, फिर से हम अगले दिन मिलते हैं ऑटो कैड के एक नए वीडियो के साथ। और अगर आप ऑटो कैड को फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे देखो हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, उस पेज के कोई भी ऑप्शन के नीचे कॉमेंट करो कि मुझे ऑटो कैड का लिंक चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहां से आप लाइट वर्सन और फुल वर्सन जो भी आपको चाहिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बाय बाय गाइस।